everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DS की क्लास करने वाले हैं, DS की क्लास 50th करने वाले हैं, जिसमें 49th क्लास में हम लोग ने कैचे को पढ़ा था, हिंट्स को पढ़ा था एंड बल्क डेटा ट्रांसफर को पढ़ा था. तो आज जो हम करेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ इंक्रिप्शन, उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियोज़ देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिए. आज के टॉपिक, आज की क्लास में हम लोग इंक्रिप्शन पढ़ेंगे. व्हाट इज़ इंक्रिप्शन, व्हाट इज़ द use of encryption, and then after that uses of catching and DFS. e-catching ka hamara DFS, that is iske file transfer mein ya file system mein hamara kya hai, distributed file system mein hamara kya use hota hai usko hum dekhenge. uske baad fir hum cache jo ki hamara distributed system se relate hai usme kya uses hain wo hum log dekhne wale hain. तो क्लास आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलें, लाइक करें, और कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस यूज फॉर डेटा सिक्योरिटी. हमारा इंक्रिप्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें डेटा सिक्योरिटी होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अ नंबर ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स एग्जिस्ट such or as unauthorized release of information. तो इसमें encryption में क्या होता है, encryption हमारा इसलिए use होता है because of that कि possible जो threats हमारे exist करते हैं, जो कि होते हैं कि कोई मान लो हमारा official या personal data को चोरी कर ले, तो वो सारी चीज़ें जो threats होती हैं या फिर unauthorized हमारा information को leak कर दे. like for example हम नहीं चाहते third party को वो information पता चले, but वो third party उसको use करके उसको दूसरों पे दे, दूसरों के तरफ भेज दे, या फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे अगेंस्ट यूज हो जाए, तो इसलिए भी हम उसके लिए इंक्रिप्शन यूज करते हैं. अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड रिलीज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने भेजा है आपको हेलो हाउ आर यू, तो ऑब्वियस सी बात अगर वो कोई थर्ड पार्टी है फॉर एग्जांपल, उसको मैं नहीं जानती हूँ कि नहीं चाहती हूँ कि वो देखे ऐसा कुछ भी, तो हो सकता है वो उसको हेलो के जगह बोल कुछ और भी लिख दे कि हेलो हु द हेल आर यू या लाइक इस टाइप का, जो कि मेरे अगेंस्ट यू नो हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रिप्शन की कुछ ऐड कर दे, कुछ मॉडिफाई कर दे. तो दैट इज़ द डेंजर वे कि हम इसलिए इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं. For performance encryption and decryptions may the preferred by special hardware of the client and the server. तो ये एक तरह का special hardware encryption हो चाहे decryption हो, उसके client और server के लिए use होता है. Basically encryption and decryption का क्या मतलब होता है, ये DBMS database management system में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसको आप जाके एक बार देख सकते हो. पर फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे लाइक कि मुझे किसी को भेजना है, मैंने उसको कोडिंग के लैंग्वेज में भेजा कि बुक कोड का सिर्फ डिकोड बुक जो डिक्रिप्शन है वो वही कर सकता है जिसको मुझे ये मैसेज भेजना है. मैंने कोई चीज़ भेजी तो उसका मान लो 12384 का बोल दिया, और मुझे 12384 का कोडिंग उस अगले सेकेंड पार्टी को जिसको मुझे भेजना है उसको पता है, तो वो उसको डिकोड करके अपने मेरा मैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है विद सिक्योरिटी लेवल. अगर कोई थर्ड पार्टी उसको इन यू नो मॉडिफाई करना भी चाहे या लाइक फॉर एग्जांपल उसको देखना भी चाहे, देख भी लेता है, तो उसको इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि उसको हमारा डिकोडिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन नहीं पता है कि हमने क्या बनाया. वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और दैट कैन वैरी बाय एन इंडिविजुअल आल्सो. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंक्रिप्शन का पार्ट था. अब डिस्कस करते हैं यूजर्स ऑफ कैचिंग एंड DFS. हमारा क्या यूजर्स हमारे कैचिंग का हमारे DFS में, तो फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय कैचिंग. जो फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव करती है हमारी ये कैचिंग के थ्रू. सिंस एसेसिंग रिमोट डिस्क इन मच स्लोअर देन एसेसिंग द लोकल मेमोरी और अ लोकल डिस्क. जो हमारा यू नो एसेसिंग रिमोट डिस्क होता है वो हमारा थोड़ा सा स्लो होता है एसेस लोकल मेमोरी के लिए या लोकल डिस्क के लिए. कैचिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसेस. जो कैचिंग होता है वो हमारा रिड्यूस करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ एसेस को टू द फाइल सर्वर्स एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क. हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी देयर बाय इम्प्रूविंग द स्केलेबिलिटी ऑफ द फाइल सिस्टम. इसी वजह से वो इम्प्रूव करता है स्केलेबिलिटी ऑफ फाइल सिस्टम की. ये हमारा कैचिंग का था जो हमारा DFS में यूज़ हो रहा था. उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो हमारा है नेक्स्ट कैचिंग इज द डिस्ट्रीब्यूट. कैचिंग इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज यूज टू रिड्यूस डिलेज एंड अनएसेसिंग ऑफ डेटा. तो ये रिड्यूस होता है हमारा इन
एज अनएसेसिंग डेटा के लिए ही हमारा ये यूज होता है। उसके बाद आते हैं हमारे कैचे पे कि कैचे क्या होता है। अ कैचे इज अ डेटा स्टोरिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू एसेस द डेटा एंड अ फाइल्स फॉर द हायर स्पीड। तो कैचे एक तरह का डेटा स्टोरिंग टेक्निक है जहाँ पे हम वो प्रोवाइड करवाते हैं, एबिलिटी करता है हमारा, एसेस करता है हमारा डेटा को और फाइल्स को कि वो हायर स्पीड में वो इसका एसेस कर सके। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कैचे आर इम्प्लीमेंटेड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैचे जो हमारा है वो बहुत हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर दोनों पे ही यूज होता है। कैचे सर्वर्स एज एन इंटरमीडिएटरी कंपोनेंट्स बिटवीन द प्राइमरी स्टोरेज अप्लायंसेस एंड द रिसिपिएंट हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर डिवाइसेस टू रिड्यूस द लेटेंसी इन द डेटा एक्सेस। तो ऑब्वियस ये बात है, जो कैचिंग सर्विसेज होता है वो एक तरह का इंटरमीडिएट कंपोनेंट होता है कि प्राइमरी स्टोरेज अप्लायंसेस और रिसिपिएंट हार्डवेयर के लिए कैसे यूज होगा और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के लिए टू रिड्यूस द लेटेंसी इन द डेटा एसेट। लेटेंसी माय डेटा एसेट के लिए जो यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस सेशन इज डेटा कैन ईदर बी कैश्ड इन द मेन मेमोरी। जो डेटा होता है वो हमारे कैश हो सकता है मेन मेमोरी में भी और ऑन द लोकल डिस्क, हमारे लोकल डिस्क में भी, ऑफ द क्लाइंट और द सर्वर्स टू रिड्यूस द डिस्क एसेस लेटेंसी। तो ऑब्वियस बात है वो जो सर्वर पे भी हो सकता है वो रिड्यूस भी करेगा डिस्क एसेस लेटेंसी को, कि वो रिड्यूस कर देगा जिसके वजह से वो हमारा जो यू नो यूज होता है डेटा कैचिंग का, तो वो हमारा कैच भी हो सकता है हमारे मेन मेमोरी में, लोकल डिस्क ऑफ द क्लाइंट्स में भी। सो दैट्स ऑल आज के लेक्चर के लिए, इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।